हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। यहाँ पर रात के बज रहे हैं 12, हो गया है कृष्ण जी का जन्म। काली अंधियारी रात में तू आया, तो सचमुच में यहाँ पे आज कृष्ण जी बहुत ही काली और घनघोर रात में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है यहाँ पर और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, और जिसकी वजह से लाइट चली गई और उसके बाद पंडाल में जनरेटर भी बंद हो गया था। तो पूरा अंधेरा में मतलब कृष्ण जी का जन्म हुआ और पूजा हो रहा था, वो वाला मैं वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर कृष्ण जी के जन्म के समय जो कंडीशन था वही कंडीशन रात में 12 बजे था, और उसी टाइम पर कृष्ण जी का जन्म हुआ और झूले में रखे गए थे लड्डू गोपाल। तो झूले में लड्डू गोपाल को भोग लगाया गया, देन पूजा स्टार्ट की गई, शंखनाद हुआ, खूब सारे जयकारे लगाए गए। यहाँ पर लड्डू गोपाल के बाद गोलू पर ही सबकी नज़र थी, क्योंकि गोलू को कृष्णा बना के लेके आई थी। ये लड़का सारा कुछ तोड़ दिया था पहना हुआ, यहाँ पर इतना तबाही मचाया ना, माला वगैरह सब तोड़ दिया। भगवान को अर्पण करो, दुर्भाग्य तो तुम्हारा दुख यहाँ पर पंडित जी उड़िया लेंगे पूजा करवा रहे थे। यहाँ पे हवन की तैयारी की जा रही है, उसके बाद पुष्पांजलि की जाएगी, और पुष्पांजलि के बाद थाली पूजा। यहाँ पर कोई भी पूजा हो, पुष्पांजलि बहुत ज़रूरी होता है और थाली पूजा, तो ये दोनों ही पूजा होने के बाद हम लोगों ने आरती की। हे गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं पंडाल से बाहर घर की तरफ। गोलू को टीका लग गया है, टीका लगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। तो जरा बाहर में थोड़ा घुमाओ, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आगे घर का थोड़ा जाके बताऊंगी। यार मैं आ गई हूँ पंडाल से घर वापस, ये देख सकते हैं फटाफट तैयार हुई लास्ट टाइम पे जब कृष्णा का जन्म होने वाला था, और मैंने सोच लिया कि इतना भी बारिश हो चाहे आंधी आए तो खाना है, मुझे जाना ही है क्योंकि पंडाल बहुत पास में ही है, जस्ट रूम के बाद ही। उससे पहले ये हो रहा था कि इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी बहुत ज़्यादा बारिश शाम से हो रही थी, बारिश और थंडरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कृष्णा का जन्मदिन था, वो सब चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि थोड़ा सेफ्टी भी तो रखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग नहीं गए। लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया था बारिश, और मैंने डिसाइड कर लिया कि बस बगल में है तो जाऊंगी ही जाऊंगी। तो फटाफट इसको तैयार की और मैं भी तैयार हुई। मीकू तो सो रही थी, उसको मैंने बहुत बोला पर वो नहीं हो रही थी रेडी जाने के लिए। मैंने सोचा था उसे राधिका बनाऊँ, बच्चा बहुत खुश भी था, लेकिन
एंड मौके पे बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इस वजह से नहीं हो पाया। एंड गोलू भी पूरा देख सकते हैं तामझाम के साथ गया था, लेकिन कि अभी कुछ भी नहीं बचा है, सारा कुछ तोड़ ताड़ के बैठा हुआ है ना। छोड़ो, और वहाँ पे जाके भी इसने मुझे बहुत परेशान किया और मीकू को भी। बाकी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। कल है फिर से पूजा, अभी कृष्ण जी आए हैं तो अभी रहेंगे, है ना, कहीं नहीं जाने वाले। मेरे लल्ला और एक और लल्ला दोनों आया है। गुड नाइट, बाय बाय। Few moments later. कोई बारिश नहीं हो रही है, ला बैग में लेती। बारिश में बेबी मेरी चली गई स्कूल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में। और बैरिकेटिंग भी हो गई है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूजा हो रहा था ना, होगा भी दो दिन अभी रहेगा यहाँ पे। मॉर्निंग है ये जन्माष्टमी का अगला सुबह है। Hours later. Hey, did you know? Someone did you? Hey.